तो काजल करने वाली है एक महान काम, ये करेगी एक बेबी अडॉप्ट अपने बर्थडे पे, राइट? यस, आई एम वेरी मच एक्साइटेड. भैया अपने ले लो आप. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken. एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीन्स लाइफ एंड माय अनदर ब्लॉग. सो गाइस, लास्ट हमने विजिट किया था आमेर फोर्ट. कुछ लोगों ने मेरा लास्ट ब्लॉग देख लिया होगा, सो अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है. और आज हम आए हैं मुरली पान भंडार, जो कि बहुत ही फेमस है यहाँ का, जयपुर का. गाइस, कभी भी हम कहीं भी जाते हैं, नई जगह एक्सप्लोर करने जाते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं यूट्यूब, हर जगह से, फ्रेंड्स से. वैसे मैक्सिमम लोग यूट्यूब से ही चेक करते हैं कि भाई क्या क्या जगह वहाँ पे घूमने वाली है. सो उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे कुछ नहीं जानती थी, तो मैंने सबसे पहले किया यूट्यूब कि वहाँ मैं जाऊँगी तो मुझे क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, मतलब कुछ रह ना जाए. तो उसमें एक ये वाला प्लेस भी था. तो अभी हम पहुँच चुके हैं और सामने भैया बना रहे हैं पान. और मैंने भैया से पूछा तो भैया एक साथ बनाने वाले हैं 100 पान, क्योंकि भैया को ये पान भेजने हैं किसी शादी में. ऑर्डर आया हुआ है इनके पास और ये बता रहे हैं कि इनके पास हमेशा शादियों के ऑर्डर्स और कोई भी पार्टीज वार्टीज में इनके यहाँ से पान जाते हैं. और इनके पास वैरायटी ऑफ पान्स रहते हैं. जैसे आप देख सकते हो, ये सामने है चॉकलेट पान, जो कि बिल्कुल ठंडा ठंडा चिल्ड, बहुत ही यमी है. और भी इनके पास बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होती है. और ये बता रहे थे कि इनके पास बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, ऑब्वियस मैंने यही चेक करके मैंने सोचा कि हाँ भाई, अगर इतने सारे लोग यहाँ पे जा रहे हैं तो कुछ तो स्पेशल होगा, यही सोच के हम यहाँ पे गए थे. सो गाइस, ये देखिए इतना यमी लग रहा है ये वाला, वाओ, ठंडा ठंडा चॉकलेट पान. सो अभी शुभम और काजल करेंगे ट्राई फायर पान. ये फायर पान हम भी खाएंगे. दोनों फायर पान खाओगे? कैसा लगा काजल? यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऑलरेडी आए हुए हैं. ये हेमा जी है, उन्होंने पान खाया. ये संजय दत्त बाबा, ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक मिलेगा. आमिर खान ने भी यहाँ पे खाया. अंदर इनकी दुकान है यहाँ पे, और बाहर भी है, मेन रोड पे भी बाहर भी है, स्टॉल लगाते हैं. इसके लिए सौंप है, बहुत बड़े सौंप. अच्छा, ये भैया सौंप दे रहे ट्राई करने के लिए. कदम मेरे को पान है, मेरे को ऐसे दे दो, ले लूँ मैं ना. ओके, थैंक यू भैया. इनकी मेन जो बाहर रोड की साइड पे भी शॉप है, पकड़ना. ये लोग इनकी खुद की कंपनी का मुरली माउथ फ्रेशनर भी है, जो भैया ने ये सैंपल हमें दिया है कि इनकी खुद की दुकान है ना, खुद का ब्रांड है. तो ये इस ब्रांड से ये माउथ फ्रेशनर भी सेल करता है. नाइस. भैया आप खुद बनाते हो ये वाले, है ना? ये सब खुद आपके यहाँ इनसे मुझे. ओके, ये कार्ड भी डाल दो. सो गाइज, यहाँ के एड्रेस का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं पान, तो आप आके खा सकते हैं. बहुत ही वैरायटी इनके पास अवेलेबल है. इसमें पान लगते हैं, 500 के जोड़े लगते हैं, शादी में जाते हैं. और ये है शादी के लिए बता रहे कि इसमें ये भेजते हैं. भैया किस चीज़ मटेरियल का ये? चांदी के. अच्छा, तो ये चांदी का बॉक्स है, इसमें ये पान डाल के शादी पैकिंग होता है, दूल्हा दुल्हन के लिए पान जाता है. ओके भैया, तो ये इनका एक स्टॉल भी है बाहर रोड के साइड पे. तो यहाँ पे भी बहुत सारे, मतलब जो पान वान आप ले सकते हैं यहाँ से भी. ये बाहर है, तो बिल्कुल रोड साइड पे है.
सो लो जी, शुभम और काजल ने पान ट्राई कर लिया है यहाँ का और इन्हें ये पान बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। और यार सबसे अच्छी बात ये थी यहाँ की कि इनके पास हर वैरायटी अवेलेबल थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पान इनके पास, लड्डू पान, पता नहीं यार कौन कौन सा, इतनी वैरायटी तो मैंने कभी सुनी भी नहीं है, उतनी इनके पास थी। और अभी इन्होंने हमें और थोड़े माउथ फ्रेशनर दे दिए अपने ब्रांड के और अभी हम जा रहे हैं। काजल से मैं पूछ रही हूँ कि इसे पान कैसा लगा, ये अभी बता रही है कि इसे बहुत ही टेस्टी लगा है और ये आपको रिकमेंड कर रही है कि हाँ आप प्लीज यहाँ पे आए। सो गाइज, मैंने तो पान नहीं खाया क्योंकि मेरा मन नहीं था अभी, वैसे मुझे मीठा थोड़ा कम पसंद है। काजल और शुभम ने पान खाया है एज पर दम, बहुत ही यमी था ये कह रहे हैं। और ये हमने पहले सर्च करा था कि कौन कौन सी मतलब प्लेसेस है जहाँ पे हम खा सकते हैं और स्ट्रीट फूड कहाँ पे अच्छा मिलता है और क्या क्या खाने की मतलब क्या क्या स्पेशल चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो मुरली पान भंडार बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड किया था, सो फिर हमने सोचा क्यों नहीं ट्राई किया जाए। तो शुभम और काजल को तो खाना था पान, तो फिर हम आ गए अभी यहाँ पे और भैया ने हमें दिए हैं कुछ, मैं अब दिखा रही हूँ आपको, ये हमें दिया उन्होंने कुछ माउथ फ्रेशनर फ्री सैंपल्स दिए उन्होंने हमें। और ये इनके खुद के मैन्युफैक्चर्ड हैं, ये खुद बनाते हैं और इन्हीं के ब्रांड के नेम से, मुरली नेम से मतलब बेचते हैं ये। तो यार मेरे को तो यहाँ पे अच्छा लगा, अगर आप भी आना चाहते हैं यहाँ पे ट्राई करना चाहते हैं तो यार मस्ट विजिट प्लेस है अगर आपको पान पसंद करते हैं आप। सो या दैट्स ऑल, अभी हम जा रहे हैं पेट शॉप पे। कल काजल ने एक कैट देखी थी, वो थी पर्शियन थी वो, है ना, पर्शियन कैट थी वो, बड़ी क्यूट सी थी वो। काजल को इतनी अच्छी लगी कि काजल ने उनसे पूरा भैया डिटेल ली कि आपने कहाँ से लिया एंड ऑल दैट। उन्होंने बताया कि किस मार्केट से लिया, तो बस हम उसी मार्केट जा रहे हैं, वहाँ पे जाके काजल बस वही देखने वाली है। तो हमने आने से पहले किसी से पूछा कि भैया इस वाली गली में या फिर यहाँ पे पाँच बत्ती यहाँ पे एक जगह, उसके पास किसी ने बताया कि पेट शॉप है, ठीक है। और हमने यहाँ से किसी से पूछा कि भैया पेट शॉप आप बताओगे कि कहाँ पे है, तो हमें उन्होंने गलत डायरेक्शन बता दिए और हम कहीं और ही पहुँच गए हैं गली में। इतनी दूर गाड़ी लगाई, इतनी दूर पैदल चल के आए। सो काजल करने वाली है एक महान काम, ये करेगी एक बेबी अडॉप्ट अपने बर्थडे पे, राइट? यस, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। भैया आपने ले लिया, तो काजल ने ले लिया छोटी सी बेबी जो कि है बहुत ही क्यूट। सो आए हम तीन थे और अभी हम जा रहे हैं वापस चार, अभी ये बेबी भी हमारे साथ चल रही है। स्टोरी सो रही है, काफी देर से खेल रही थी तो अभी ये सो रही है। इसको बहुत अच्छी नींद आई हुई है, बहुत प्यारी लग रही है सोते हुए। स्टोरी है ना, स्टोरी चस्की धीरे बोल रहा हूँ, जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी हम वापस ही जा रहे हैं और लगी है बहुत जोरों की भूख। सो अभी यही देख रहे हैं कि कोई रेस्टोरेंट मिल जाए और हम कुछ खा लें, क्योंकि सुबह से बस ऐवें हमने सुबह ही खाया था। सबको पता ही होगा लास्ट ब्लॉग अगर आपने देखा होगा कि हमने सिर्फ ब्रंच किया था और उसके बाद से मैंने तो पान भी नहीं खाया, शुभम और काजल ने तो चलो पान खा लिया था और उसके बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया है। बहुत भूख लगी है, स्टॉर्मी को लाने के चक्कर में घूम घूम के इतना टाइम लग गया कि हम कुछ खा नहीं पाए। सो अभी देखते हैं अगर कोई रेस्टोरेंट मिलता है तो पहले हम खाएंगे। और वेदर तो अभी बहुत ही सही सा लग रहा है, बहुत ही मज़े आ रहे हैं, बस थोड़ी भूख लग रही है। रात भी हो गया, हमने बस दोपहर का ही खाया था, ब्रंच ही करा था। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर, थोड़ा खा पी लेते हैं फिर आप सबसे बात करते हैं, बहुत भूख लगी है। मुझे नीचे छोड़ो, मैंने खेलना है।